हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल रुपेश पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुपेश उपेशला, और दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए मैं खास लेकर आया हूँ रियलमी 3 प्रो का फुल स्पेसिफिकेशंस और फ्यूचर्स प्राइस रेजिंग डेट सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको करना क्या, तो आप लास्ट तक प्लीज़ बने रहना, क्योंकि स्किप नहीं करना दोस्तों, क्योंकि मैं इसका स्पेशल फ्यूचर्स क्या इस फ़ोन में है तो मैं इस सभी को कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू मेंबर्स हो, या पहली बार विजिट कर रहे हो, या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, या फ़ोन आपको कैसा लगा, क्या इसमें कमियाँ रह गई इस फ़ोन में, या क्या आपको और इस फ़ोन में चाहिए, क्या प्राइस है। इस सभी क्वेश्चनों के लिए आप प्लीज़ कमेंट में करना दोस्तों, मैं इसका प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, मैं इस वीडियो को थोड़ी सी इंट्रो के बाद स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका जनरली बात करता हूँ, तो लॉन्च डेट इसका 4 मार्च को है। अनऑफिशियली तरीके से 2019 में लॉन्च होने वाला ब्रांड रियलमी मॉडल 3 का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वी 9.05 पे वर्क करने वाला दोस्तों। कस्टम कलर OS का है, क्योंकि ओप्पो का है ये फैन। और दोस्तों सिम स्लॉट जो दोनों है, सिम नैनो दिया गया, नेटवर्क 4G 3G 2G और फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें अवेलेबल है दोस्तों। और दोस्तों जो डिस्प्ले की बात कर मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन साइज का 6.3 इंच का 16 सेंटीमीटर का डिस्प्ले आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन 2:1080x2340 पिक्सल का है दोस्तों। एस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 का विजुअल डिस्प्ले विथ नॉच के साथ आपको मिलने वाला, पिक्सल 409 PPI का दिया गया दोस्तों। डिस्प्ले टाइप जो है IPS LCD का है, कैप्टिव टच स्क्रीन मल्टी टच आपको इस फोन में LED मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो चिपसेट इसका मीडिया टेक हेलियो P20 का दिया गया, प्रोसेसर ऑक्टोपर 2.1 GHz को 8 Core Cortex S23 प्लस 2 GHz को 8 Core Cortex 853 का डबल प्रोसेसर आपको मिलने वाला दोस्तों। 8 TB 64 BB का ग्राफिक्स मान लीजिए, 72 MP 3 का गेमिंग के लिए हार्ड फोन है। रैम 4 GB के साथ आपको दोस्तों स्टोरेज आपको 64 GB एक्सपेंड करके आप 256 GB तक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अच्छा है दोस्तों। कार स्लॉट के जरिए आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। और तो मेन बात है कैमरे की, तो कैमरा की रेजोल्यूशन 16:5 का डुअल कैमरा दिया गया है, और रियर आपको डबल कैमरा मिल गया, ऑटो फोकस के साथ लेट फ्लैश इसमें है दोस्तों। और इमेज रेजोल्यूशन जो इसका 4600x2464 पिक्सल का, और आप सेटिंग्स कंटिन्यूसली कैमरा फीचर्स आप ये पढ़ लें, थोड़ा सा पॉज कर वीडियो। और जो फ्रंट कैमरा की बात को मैं कर रहा हूँ, 16 MP का फ्रंट कैमरा AR फीचर के साथ आपको मिलने वाला दोस्तों, काफ़ी अच्छा कैमरा के मामले में है। और दोस्तों बैटरी की बात करें, कैपेसिटी 4230 mAh का टाइप लियोन, और इसको रिच केवल आप नहीं कर, यानी इसको बैटरी को निकाल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों और आगे मैं प्राइस का बात कर लेता हूँ, कुछ देर के बाद स्पेशल फ्यूचर्स भी हैं वो सब के बारे में भी बता देता हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों आपको फ़ोन कैसा लगा, इसका फीचर्स अच्छा लगा या नहीं। और दोस्तों स्पेशल फीचर्स वाईफाई फीचर्स, ब्लूटूथ, GPS आपको LED मिलने वाला, मास्टर स्टोरेज डिवाइस, USB चार्जिंग, microSD 2.0 का इसको केबल आपको मिलने वाला दोस्तों, माइक्रो स्पोर्ट्स इससे भी आपको LED इसमें फ़ोन में अवेलेबल है। और दोस्तों इसमें लाउड स्पीकर्स, ऑडियो जैक, 3.5 mm का फिंगरप्रिंट सेंसर, 10 सेंसर, लाइट सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एलोमेट्री सेंसर, कैम्पास, गायरोस्कोप ऐसे भी मिलने वाले हैं आपको इसमें। और दोस्तों अब बात आती है प्राइस की, तो मैं प्राइस इसके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसका प्राइस है जो 15,990 रुपया के आसपास है, यानी 16,000 के आसपास आपको 4GB 64GB को मिलने वाला दोस्तों। काफ़ी अच्छा ये भी फ़ोन है, आप रिकमेंड करता हूँ कि ये फ़ोन आप लें, बहुत ही अच्छा फ़ोन है दोस्तों। तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, कमेंट करना दोस्तों अच्छा लगा तो। चलिए दोस्तों बाय।